कुछ बोला? ठीक है, पानी पिला पिला कर पूछो और बाथरूम मत जाने दो। प्रेशर बनेगा तो अपने आप बोलेगा। इतने बड़े न्यूज़ चैनल का हेड है, अपनी पैंट तो गीली करेगा नहीं, और अगर हो भी गई तो शर्म के मारे खुद ही मर जाएगा। पेशेंस और पानी की बोतल यूज करते रहो, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पर हमें ऐसा करना पड़ता है। दुनिया कहती है पुलिस वालों की ना तो दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती, और मैं तो कहता हूं पुलिस वालों की रिश्तेदारी भी अच्छी नहीं, क्योंकि हमारी ड्यूटी हमें रिश्ते निभाने का वक्त नहीं देती। और कभी यही ड्यूटी हमसे हमारे सबसे करीबी रिश्ते छीन भी देती है। मेरे भैया और भाभी बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने अपने करियर पर करप्शन का एक भी छींटा नहीं आने दिया, और आखिरी वक्त पर उनके कैरेक्टर पर ही दाग लगा दिया। और मीडिया और सिस्टम ने उस दाग पर अपनी मोहर लगाकर सच भी साबित कर दिया। वो कलंक आज भी मेरे परिवार के माथे पर ऐसे टीके की तरह लगा हुआ है, जो ना मिटता है ना धुंधला होता है, बस वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरा परिवार आज भी उस काले कलंक के साए जी रहे हैं। वो भले कुछ बोलते नहीं है, पर उनके सीने में जो गहरे जख्म हुए ना, वो आज भी अरे हैं। लेकिन मैं उन चोटों और उन जख्मों को ज्यादा टाइम तक उनके साथ रहने नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार के माथे पर लगे इस कलंक को एक ना एक दिन मिटाकर ही रहूंगा। यही मेरी जिद है और यही मेरी जिंदगी जीने का मकसद है।